वाह कल रात को लेट सो ही रहे ग्यारह बजने मतलब बारह बजने में आधा घंटा रह गया साढ़े ग्यारह तो एकदम से मैंने ट्विटर खोला तो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हाँ मैंने कहा ए दो सौ पचास हुआ था अब टू सेवेंटी टू हो गया है तो इसलिए मैं खुशी मना रही थी मैंने कहा वाह वाह कितना मज़ा आएगा अब मैं इसलिए खुशी मना रही हूँ नाजिन क्योंकि इस पर गम करने का इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हुकूमत को भी पता है कि हमारी बाइंग पावर हमारे जो लाइफ स्टाइल्स हैं हमारी ख़रीद व फरोख्त है हम लोगों के बाहर जाना है हम लोगों के एंटरटेनमेंट क्रिकेट चल रहा है वाह वाह पी एस एल एट चल रहा है साथ में उनको पता है ये तीन सौ रुपये भी करेंगे तो भी उतनी ही लंबी लाइन्स लगेंगी पेट्रोल पम्प्स के बाहर उतनी ही ट्रैफिक होगी उतनी ही गाड़ियाँ होंगी उतना ही सब कुछ होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है मुबारक हो आप सबको ये तो इस खुशी भी हुई है कि चलो 272 हो गया है उतनी ही लाइंस जो है वो कनेडियन ब्रांड जो है टिम हॉटन्स वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया एक दिन में सबसे ज़्यादा जो सेल्स है पूरी दुनिया में उस कम वो जो कॉफ़ी की कंपनी है उन्होंने बनाई और वो अब दूसरी ब्रांच लाहौर में खोल रहे हैं और अब उनका एक और आया है अनाउंसमेंट कि कराची में भी खुलने वाली है तो जिस कॉम जो है वो कॉफ़ी जो है आठ नौ सौ की पी सकती है और जो कॉम जो है बाहर घूमना फिरना ख़रीदारी रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं वैसे के वैसे तो हुकूमत को पता है कि अगर हम ये बढ़ा भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन्होंने तो दो दिन ट्विटर के ऊपर चार दिन वहाँ पे बहस चलनी है उसके बाद कुछ और होगा उसके ऊपर हम बात करना शुरू कर देंगे तो ये भूल जाएंगे और लाइफ उसी तरह चलती रहेगी तो फ़र्क तो किसी को नहीं पड़ता मैं इस चीज़ पे आ गई हूँ मैं इस चीज़ पे कोई अब डिबेट नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं ये होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हम ऐसी कॉम है जिसमें आवाज़ उठाने की या अपने राइट्स के लिए खड़े होने की पावर है ही नहीं हम लोग बस वही अभी मैं ट्रैफ़िक देख रही थी उससे ज़्यादा ट्रैफिक है जितनी कल थी तो टू सेवेंटी टू का पैसे जेब में हैं ही तो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं ना पैसे जेब में हैं ही तो आप इतनी महंगी महंगी कॉफ़ी पी रहे हैं पैसे जेब में हैं ही तो अभी एक हमारी एक्ट्रेस हैं उन्होंने अपना ब्रांड निकाला है कपड़ों का जिसमें सिर्फ़ एक प्लेन वाइट कुर्ता जो है वो तेरह हज़ार रुपये का है तो उनको भी पता है कि उन्होंने जो प्राइस रेंज रखी है हमारी जो मुल्क में बाइंग पावर है वो इतनी है कि वो खरीद सकें तभी उन्होंने रखी वरना एक प्लेन वाइट कुर्ता जो है वो तेरह का बेचना इज़ क्रिमिनल मैं तो कभी ना लूँ और यकीनन मेरे तरह के बहुत सारे लेकिन हम लोग ज़रा थोड़ी माइनॉरिटी में हैं मजोरिटी जो है वो शो शाम है वो कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए या फिर अपनी चादर बड़ी करें ताकि पाँव ज़्यादा फैल सकें लेकिन चादर से बाहर सबके पाँव होते हैं खाने शादियाँ फजूल खर्ची प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ ना करना बजट बनाना ये तो हमारे है ही नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इसके ऊपर रोना रोना कि ओहो जी पेट्रोल महंगा हो गया महंगा हो गया तो कम करें ना अपने अखराज कम नहीं करते यहाँ पर आवाज़ उठाएं वो भी नहीं करते तो वही बात है वो हबीब जालिब साहब की जो एक नज़म है वो मैं सोचती हूँ कभी वे पढ़ूँ दस्तूर जो है किसी दिन उसके अशार आपको सुनाऊँगी मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता तो मेरा भी कुछ यही है